वैसे हमारे भोजपुरिया सितारों के लिए ये कहा जाता है कि इतने कम बजट की फिल्म है और इतने कम बजट में ये कैसे गाने शूट कर लेते हैं। लेकिन क्या आप है कि इनकी लाइफस्टाइल कम बजट की नहीं होती? जी हाँ, आज हम अपने भोजपुरिया स्टार्स के लाइफस्टाइल की बातें करेंगे और उसमें से भी खासकर उनके कारों की, उनके गाड़ियों की, उनके लग्जरी गाड़ियों की। गाड़ियाँ हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जो गाड़ियाँ हमारे भोजपुरिया सितारे यूज़ करते हैं भाई, वो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं। उनमें बैठने का हर किसी का सपना होता है। ताज्जुब तो प्रमोद प्रेमी ने कर दिया है, एक साथ दो लग्जरी गाड़ी खरीद कर। जी हाँ, एक BMW उन्होंने खरीदी तो दूसरी फॉर्चुनर। उसकी कीमत ही 85 लाख है और दूसरी फॉर्चुनर, ये सभी जानते हैं फॉर्चुनर कार की कीमत क्या है, तकरीबन 25 से 35 लाख रुपए तक। तो आप कह सकते हैं करोड़ों की गाड़ी सिर्फ एक दिन में ही प्रमोद प्रेमी ने खरीदी है। और दूसरी तरफ बढ़ते हैं समर सिंह की तरफ, तो भाई आजकल समर सिंह ने भी धमाल मचा कर रखा है। जी हाँ, समर सिंह अपने देसी टोन, देसी अवतार के लिए जाने जाते हैं और उनके देसी गानों ने किस तरह की भोजपुरी में खलबली चाहिए है, ये सभी जानते हैं। आपको बता दें कि समर सिंह जिस गाड़ी में चलते हैं वो गाड़ी भी 90 लाख की है। बहुत ही लग्जरियस गाड़ी है ये और काफ़ी बेहतरीन सुख सुविधाओं से लैस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और कारों के मामले में तो भाई अरविंद अकेला कल्लू भी किसी से पीछे नहीं है। अरविंद ने अभी हाल ही में अपने लिए बहुत ही लग्जरी कार खरीदी है और इसकी कीमत तकरीबन बताई जा रही है कि 1 करोड़ है। जी हाँ, 1 करोड़ सिर्फ उनके कार की कीमत है। साथ ही साथ हमारे जो भोजपुरिया टॉप के सितारे हैं, जो सुपरस्टार कहे जाते हैं, अगर आप उनकी बातें करेंगे तो इन सब में सबसे ऊपर नाम आता है पवन सिंह का। पवन सिंह जो गाड़ी यूज़ करते हैं उस गाड़ी की कीमत है 4 करोड़ रुपए। इसके पहले भी जो पवन सिंह गाड़ी मर्सिडीज यूज़ कर रहे थे और अभी रेंज रोवर यूज़ कर रहे हैं, मर्सिडीज भी जो वो यूज़ कर रहे थे वो 85 लाख की गाड़ी थी और उसके पहले वो BMW यूज़ किया करते थे जिसकी कीमत 70 लाख थी। यानी कि हमेशा से पवन सिंह फैंसी लाइफ और गाड़ी दोनों यूज़ किया करते थे। अब आपको हम ये बता देते हैं कि इसमें खेसारी का नाम भी किसी से पीछे नहीं है। खेसारी 35 और इस गाड़ी की कीमत आप सभी जानते हैं और नाम है फॉर्चुनर। लेकिन खेसारी एक फॉर्चुनर नहीं यूज़ करते, खेसारी 4 फॉर्चुनर यूज़ करते हैं और ये 4 दो उनकी बिहार में है तो 2 मुंबई में है। और खेसारी हमेशा फॉर्चुनर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो है इंडियन रोड के लिए बेस्ट मानी जाती है। अब इस हिसाब से 35 लाख की एक गाड़ी पड़ी, आप समझ सकते हैं कि 4 गाड़ियों की कीमत क्या होगी। करोड़ों में इनकी भी कीमत है। और अब बढ़ते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ, तो निरहुआ भी भाई किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने पिछले साल BMW की सैर की तो इस साल उन्होंने मर्सिडीज के लिए मन बना लिया है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ साथ उनके भाई प्रवेश लाल यादव भी लग्जरी गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन हैं। वैसे आपको बता दें कि दिनेश की जो पिछली गाड़ी थी BMW वही यूज़ करते हैं प्रवेश लाल यादव। और अभी फ़िलहाल दिनेश ने नई गाड़ी जो मर्सिडीज ली है उसकी कीमत कहा जा रहा है कि तकरीबन 80 लाख रुपये है और उन्होंने इसी गाड़ी से अपने गांव भी गए हुए हैं। तो आपको ये बता दें कि हमारे जो भोजपुरिया सितारे हैं ये तो आगे हैं ही, लेकिन हमारी हीरोइनें भी पीछे नहीं हैं भाई। जी हाँ, हमारी जो हीरोइनें हैं हीरोज़ के टक्कर देती हैं और गाड़ी के मामले में तो भाई अंजना सिंह की चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। अंजना सिंह भोजपुरी की वो पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने लग्जरी कार ली थी आज के तकरीबन 3-4 साल पहले और वो कार उनकी मर्सिडीज़ का। उन्होंने इसका एक वीडियो भी शेयर किया था मीडिया में जब उन्होंने पहली बार कार ली थी। खैर आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दें काजल राघवानी, जी हाँ, जिनकी जो पॉपुलरिटी है, जो कहती है कि उन्हें पवन सिंह से मिली है और जो स्टारडम है उन्हें खेसारी से मिला है, तो हम आपको बता दें कि काजल राघवानी खुद बहुत ही अच्छी और लग्जरी BMW कार यूज़ करती हैं जो कि
80 लाख की बताई जाती है। वहीं अक्षरा सिंह ने भी अपने स्टारडम को चमकाने के लिए अपने लिए ब्रांड न्यू लग्जरी कार खरीदी है जो कि मर्सिडीज के कंपनी से है। तो ये हैं हमारे जो भोजपुरी के कुछ हीरोइनें। अब नाम हम लेते हैं पाखी हेगड़े और आम्रपाली दुबे का। जी हाँ, पाखी हेगड़े जो है वो भोजपुरी की बहुत ही पुरानी एक्ट्रेस हैं और उन्होंने हाल ही में एक ब्रांड न्यू कार खरीदी है और उसके लिए उन्होंने ये कहा था कि ये उनका एक सपना था जो पूरा हुआ है। और वहीं बात अगर आप आम्रपाली दुबे की करें तो आम्रपाली दुबे भी हमारे हीरोज को टक्कर देती हैं और वो फॉर्चुनर यूज़ करना बहुत पसंद करती हैं। अच्छा लगता है फॉर्चुनर टाइप की गाड़ियाँ, तो आम्रपाली दुबे फॉर्चुनर यूज़ करती हैं। तो वहीं अब बात कर लेते हैं रानी चटर्जी की। तो भाई भोजपुरी की सबसे पुरानी एक्ट्रेस है रानी चटर्जी, तो उनके पास ब्रांड न्यू लग्जरी कार है। भोजपुरी में अंजना सिंह के बाद मर्सिडीज़ ये भी यूज़ करती हैं, लेकिन अंजना ने पहले खरीदी थी और बाद में रानी चटर्जी ने खरीदी। और अब आपको बता दें कि हमारे जो भोजपुरी स्टार हैं जिनके लिए ये बहुत ही कम बजट की फिल्में बनती हैं, बहुत ही कम पैसे लगाए जाते हैं सिनेमा, उस हिसाब से जाए तो हमारे जो स्टार हैं वो लग्जरी लाइफ जीते हैं बिल्कुल अपनी कारों की तरह। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।